हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। और हमने पिछली क्लास में बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और छोटी छोटी मेजरमेंट्स के यूनिट्स के बारे में, और उसका आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्जन होगा, डिग्री, रेडियन और ग्रेड के बारे में। ग्रेड को हमने थोड़ा सा कम रखा क्योंकि ग्रेड बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बट डिग्री और रेडियन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसमें एक दूसरे में कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। पिछली क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका एप्लीकेशन सीखने की बारी है। अब अगर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे तो आपको आनंद मिलेगा कि आपने जो कुछ सीखा उससे सवाल कैसे बनते हैं। तो आइए आज हम एनसीईआरटी के पहले सवाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी मुश्किल सवाल भी लेंगे दूसरे लेवल के, बट पहले एनसीईआरटी करते हैं क्योंकि बच्चे जो है एनसीईआरटी एक बेसिक किताब है जो चलता है और बच्चे इसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं स्कूल में, तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है, इसलिए इसको पहले कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप? आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पोंडिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी इसका रेडियन मेजर हमें कन्वर्ट करके निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये डिग्री में लिखा है और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद है ना? याद है कि नहीं याद है? याद है ना? सो वी कैन राइट हेयर, पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180। 5 can cancel this 5 times and 5 can cancel this 36 times, right na? So that is 5 pi by 36 radian, ठीक है? ये लिखा जा सकता है। C लिखते हैं इसके ऊपर, radian को, अगर और आपको radian ना लिखना हो तो इसको C लिख देते हैं। C मतलब circular measure, ठीक है ना? तो ये हो गया C, छोटा सा C लिख देने से बात बन जाती है कि ये आपने सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में लिखा है यानी रेडियन मेजर लिखा। दूसरा जो सवाल है वो है -47 डिग्री 30 मिनट। पहले इसको हम लिख सकते हैं -47 डिग्री एंड 30 मिनट कैन बी रिटन एज 30 बाई 60 डिग्री, यानी आधा, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसलिए हो गया -47 वन बाई 2 डिग्री। That is 47 टू जा 8, 7 टू जा 14 वन 15 कैरी 1, 4 टू जा 8 एंड 1 9, 95 बाई 2 डिग्री। अब इसको रेडियन बदलना है तो 95 बाई 2 इंटू पाई बाई 180, सो 5 कैंसिल दिस 19 टाइम्स, दिस इज 36 टाइम्स, सो फाइनली आंसर इज 19 पाई बाई 72 रेडियन। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री, सो व्हाट विल हैपन, 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री हमें क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये कैंसिल होगा, 6 3 जा 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, so that is 4 pi by 3 radian, that is आप चाहें तो इस पे C लिखते हैं, radian लिखने की बजाय। fourth question आप देखते हैं क्या, fourth question है 520 degree, that is 520 degree into pi by 180, 0 0 cancel फिर से और 6 3 जा 18 9 से कैंसिल होगा 2 से और ये 26 टाइम्स, दैट इज 26 पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है ना, रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक क्वेश्चन जो हैं, वो इस तरह से सॉल्व होंगे। अब उसी तरह से एक दूसरा पार्ट भी है कि अगर ये रेडियन मेजर दिया है तो आप इसे डिग्री मेजर लिखें और पाई को कितना यूज करें, 22/7। So similar question is there also. We can have, so क्या formula है कि to change, याद करवा दे, change क्या, radian
इनटू डिग्री डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई 180 बाय पाई और यहां पे 180 बाय पाई का मतलब है 22 बाय 7 ये लिखा हुआ है इस्तेमाल करना है तो 22 बाय 7 अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या आएगा देखिए पहला सवाल का जवाब लेते हैं 11 बाय 16 इसको हमें 11 बाय 16 इनटू 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा है ना इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में तो ये डिग्री हो गया 180 बाय पाई अब इसको आप चाहें तो 11 बाय 16 इनटू 180 और पाई के बदले 22 और बाय 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा 11 टू जा 22 ये 9 से कैंसिल हो गया 8 से कैंसिल हो गया 4 से आप काटेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 45 से कैंसिल हो जाएगा है ना सो 4 4 जा और ये 45 से कैंसिल हो गया अब ये हो गया 7 5 जा 35 7 4 जा 28 एंड 3 31 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 इट मींस 8 3 जा 24 है ना बचेगा कितना 7 75 8 9 जा 72 ठीक है अब बच गया 3 बाय 8 तो इतना डिग्री हो गया और 3 बाय 8 डिग्री हुआ इसको मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिनट बदल जाएगा तो दैट विल बी 39 डिग्री 4 2 जा 8 एंड 4 15 जा 60 15 3 जा 45 45 बाय 2 मिनट दैट इज 22 एंड हाफ मिनट 22 एंड हाफ मिनट अब हाफ मिनट को सेकंड में बदल दें तो क्या लिख सकते हैं इसको 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स हाफ मिनट इज 30 सेकंड्स तो इस तरीके से एक सवाल को करना चाहिए यहां पे लिखा है -4 रेडियन -4 रेडियन इज -4 into 180 बाय पाई पाई का मतलब 22 बाय 7 तो ये 7 ऊपर चला गया यहां पे ये 2 से कैंसिल हो गया ये 11 आ गया 7 2 जा 14 एंड 14 8 जा 112 एंड कैरी 11 एंड 14 एंड 11 इज 252 25 दिस इज डिवाइडेड बाय 11 दिस इज डिग्री सो 11 2 जा 22 3 32 11 2 जा 22 है ना एंड 10 110 11 9 जा 99 11 2 जा 22 3 2 33 11 2 जा 22 10 110 100 so 11 9 जा 99 and 1 by 11 degree 1 by 11 minute so further we can write क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं -229 degree एंड 1 बाई 11 को लिख सकते हैं 1 बाई 11 60 बाई 11 ये डिग्री था अब मिनट में हो गया तो ये हो गया -229 डिग्री 5 मिनट एंड 5 बाई 11 सेकेंड्स सो अगेन दैट इज 4 सेकेंड्स अप्रोक्स ऐसा लिख सकते हैं ठीक है 5 पाई बाई 3 एंड 7 पाई बाई 6 दीज आर द अदर टू 5 pi by 3 ये तो आसान है तीसरा सवाल है 5 pi by 3 इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 5 pi by 3 into 180 degree upon pi 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 cancel 3 cancel this 60 times 65 जा 300 and degree ठीक है ये कन्वर्ट हो गया इस चौथा सवाल है 7 pi by 6 तो 7 pi by 6 is equal to 7 pi by 6 into 180 by pi. Pi, pi cancel. This cancel 3 times, 30 times. 37 ja, 7 3 ja, 21. So 210 degree. तो इस तरीके से इस सारे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है
बड़े ही आसानी से डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपने सीख लिया। सीख लिया ना कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा फिर से सीख लें, बेसिक है इसलिए मैं कह रहा हूं। यहां पे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं इस बात को, टू चेंज, याद रखें, डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पाई बाय 180। तो ये एक याद होना चाहिए और नीचे भी आपको लिख के दे रखा है कि जब रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180 बाई पाई। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है, 180 बाई पाई और यहाँ पाई बाई 180। ये दो बातें आपको याद रखना चाहिए, इसको आप हाईलाइट करके याद रखें, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट कर लेते हैं और इस बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, देखें, अगला सवाल है कुछ इस तरह का, ध्यान से समझे कि क्या है सवाल। लिखा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 1 सर्कुलर एंगल, 1 सर्कुलर एंगल, सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट। सो 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। इन 60 सेकेंड्स हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो देयर फोर इन 1 सेकेंड हाउ मेनी, 360 by 60, दैट इज 6 रिवॉल्यूशन। एंड 1 रिवॉल्यूशन इज हाउ मच, 1 रिवॉल्यूशन इज 2 pi. So 6 revolution is 1 circular angle, that is 1 revolution. 6 into 2 pi, that is 12 pi radian answer. Okay. So in 1 second there will be 12 pi radian. I hope you got it. 1 circular angle, that is 1 revolution. 1 revolution. Is equal to 1 circular angle, that is 2 pi. तो इसलिए ये हो गया 12 pi radian. अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये सर्कल है और इस सर्कल में रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस है 100, रेडियस कितना है 100। रेडियस है 100, ठीक है। ये मान लीजिए ये है रेडियस 100, और आर का लेंथ कितना है, आर का लेंथ है 22, बस इतनी सी।
ये है 22 और ये है 100, ठीक है। तो L जो है वो है 22, R जो है 100. So what is the angle? Angle किस में निकालना है? Degree measure में. So angle is equal to क्या होता है? Arc by radius. ये हमें पता है. Arc है 22 और radius है 100. ये angle किस में आता है? Radian में. आता है ना? और radian को degree में बदलने के लिए क्या करते हैं? बताइए. 180 डिग्री याद है ना अभी आपको, अभी आपने सीखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। और पाई के बदले क्या लिख सकते हैं, 22/7, 100 इनटू 180 अपॉन 22 और 7 ऊपर चला गया, 22 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गए और ये हो गया 9 और ये हो गया 5, 9 7 जा 63 अपॉन 5, दैट इज हाउ मच, 12.12 डिग्री 3/5 इनटू 60 मिनट, सो दैट इज 5, ये भी 12 से कैंसिल होगा, 12 3 जा 36, यानी 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है ये देखें, लिखा है ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कोड जो है वो है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है ना, सर्कल। अब इसमें एक कोड की लेंथ दी गई है, कोड की लेंथ दी गई है कितनी, ये कोड है, ठीक है, ये कोड है जिसकी लेंथ दी गई है, ट्वेंटी सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी इसकी है 20, ये भी है 20, तो रेडियस डायमीटर है 40, डायमीटर 40 है मतलब रेडियस क्या है, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है और ये कोड भी 20 सेंटीमीटर है। अगर इसका नाम ए और बी ले लिया जाए, ठीक है, तो ये हो गया 20 20 20, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड हो गया, तो ये हो गया 60 60 60, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाई 3। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी इस आर्क की लेंथ बतानी है, एल एल जो ये लेंथ है आर की, ये आपको बतानी है कि कितना होगा। तो एंगल इज इक्वल टू, वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। एंगल कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, और आर्क कितना है, आर्क पता नहीं है वही तो निकालना है, और रेडियस कितना है 20, सो एल इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर आंसर। अगर इसको आप एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो पाई के बदले 22/7 लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूरेट निकालना चाहते हैं अगर तो पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द टू सर्कल
arc of same length, subtend angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. ये क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखें. एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक और सर्कल है जो इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है ना. और दोनों सर्कल में खास बात क्या है कि दोनों के आर्क की लेंथ जो है वो सेम, यानी यहां से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, और ये बना रहा है कितना, ये 75 डिग्री बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है, ये 75 डिग्री. लेकिन लेंथ ऑफ आर्क इसका भी एल है ना, और इसका भी एल है, ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम. तो वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. थीटा वन जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री. 60 डिग्री को हम 60 इनटू क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 3 रेडियन, ये हो गया है ना. और थीटा टू को लिख सकते हैं 75 डिग्री, 75 इनटू पाई अपॉन 180, दैट इज 5 पाई बाय 12 रेडियन. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, नाउ वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. सो थीटा 1 इज इक्वल टू, व्हाट विल हैपन, थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाय आर 1, ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू होगा एल 1 एल बाय आर 1, एंड दूसरे यानी आर 1 इज इक्वल टू रेडियाई को कंपेयर करना है, तो आर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन थीटा 1. थीटा 2 इज इक्वल टू आल्सो एल अपॉन आर 2, एंड देयरफॉर आर 2 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 2. नाउ we have to divide compare, so r1 by r1 is to r2 is equal to l upon theta 1 is to l upon theta 2, l and l cancel, theta 1 के बदले हम लिखेंगे कितना, pi by 3, तो ये ऊपर जाके 3 by pi हो गया, theta 2 के बदले 5 pi by 12 लिखेंगे तो ऊपर जाके 12 upon 5 pi हो गया, pi pi cancel. और इस रेशियो को कंपेयर करना है तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है. 5-1 का एलसीएम 5 हो गया, तो 5-3 = 15, 3 से ही कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:4. तो इनकी रेडियस जो है, रेशियो जो है वो 5:4 हो गया. तो इस क्वेश्चन का आप इतनी आसानी से आंसर दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7. अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ. पेंडुलम कैसा होता है जी, पेंडुलम ऐसे किसी फिक्स रिजिड सपोर्ट से ये पेंडुलम मूव करता रहता है, और पेंडुलम इधर की ओर भी जाता है और इधर की ओर भी जाता है ना. तो एक आर्क बनाता है पेंडुलम, एक आर्क बनाता है इस तरह का, और ये आर्क की लेंथ लिखा है कि डिस्क्राइब टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, व्हाट लेंथ, ये हमें निकालना है, यानी एल हमें निकालना है. और पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, इस पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ये भी 75 है, यहां भी जाएगा तब भी 75 रहेगा, और यहाँ पे आएगा तब भी 75 ही रहेगा, मतलब रेडियस जो है वो 75 है, और एल हमें निकालना है, ठीक है ना. एल तब निकालना होगा जब एंगल दिया हो, लेकिन यहाँ एंगल तो पता ही नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंगल. क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़े, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है, और ये तीन अलग अलग केसेस दिए गए हैं एल की, तीन अलग अलग वैल्यू दी गई है. तो एंगल इज इक्वल टू, वी नो सॉल्यूशन क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस,
रेडियस है हमारा, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क है हमारा 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 75, दैट इज 2/15 रेडियन, ये आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है जिसमें 15 दिया है, तो एंगल इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं थीटा 2 लिख देते हैं, इसका नाम देते हैं थीटा 1, इसमें दिया है 15 और ये है 75, 1/5 रेडियन, ठीक है, डिग्री मेजर निकालना जरूरी नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है कितना, उसमें लिखा है इसका एंगल थीटा 3 मान लेते हैं, ये है 21/75, दैट इज 3 से कैंसिल होगा तो 7 एंड 3 से ये 25 रेडियन। तो इस तरह से इसके आंसर्स ज्ञात किए जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपने एक दूसरा एप्लीकेशन सीखा, पहले डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने का, और किसी यहाँ पे आर्क का लेंथ निकालना हो, रेडियस निकालना हो या एंगल निकालना हो, इस तीनों में से कोई भी चीज निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो इस तीनों में से कोई भी चीज निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन वेरिएबल है, इनमें से चाहे एंगल, चाहे रेडियस, चाहे आर्क, कुछ भी निकालने के लिए कहा जाएगा, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये पूरी पेंडुलम को लिखा हुआ है, ये स्विंग कर रहा है और स्विंग कर रहा है तो लेंथ कितना स्विंग कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, तब कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्विंग कर रहा है तब कितना एंगल बनाएगा, और 21 सेंटीमीटर स्विंग कर रहा है तब कितना एंगल बनाएगा। ये बात आपको तीन अलग अलग केसेज में यहाँ ज्ञात करनी थी, हमने तीन अलग अलग केसेज में यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, तीन अलग अलग केसेज में हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, और ये सारे इस पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। अब अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ नए कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसको फिर से ब्रेक के बाद सीखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, खूब मन लगा के पढ़िए, जो चीज समझ में आए उसको खूब अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर लीजिए, बार बार उसे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। और जैसे जैसे आप ये चीजें समझने लग जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो इसलिए हैं ताकि आप आसानी से इसे क्रैक कर सकें, एक दिन में लंबी उबाऊ वीडियो देखने से और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने से बहुत सारे उसमें मिस भी हो जाते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसकी स्किप कर जाती है जिससे बाद में दिक्कत होती है। तो आपको एक जितना भी समझे उसको अच्छी तरह से समझे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, अगले वीडियो में हम बाकी की बातें करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्वाड्रेंट से आगे बढ़ना है और क्वाड्रेंट की यूटिलिटी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसे सीखना है। तो अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में असली में बात करेंगे। यहाँ तक तो ये बच्चों वाली चीजें थी जो आपने सीख लिया, अब ये बड़ों वाली और बच्चों वाली नहीं रही, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपने सीख ली। अब अगली क्लास में क्वाड्रेंट की यूटिलिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उनके साथ क्वाड्रेंट के साथ क्या रिलेशन है ये सीखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।